तो एक ऐसा घर जहां पे 15-16 कलेशी लोग मिलते हैं, रोज कलेश करते हैं, और मतलब इतना कलेश करते हैं कि उनके कलेश देखने में लोगों को भी मजा आता है। एंड दैट इज बहुत ज्यादा यार, मतलब दूसरों के कलेश देखो तो ऐसे जिंदगी लगता है कि यार ठीक है, अपने वाले भी नॉर्मल ही है यार। और मैं तो बताऊं, जब से बिग बॉस खत्म हुआ है मेरे पास कोई अच्छा देखने के लिए नहीं है टीवी पे यार, क्या देखूं खाना खाते हुए। और मुझे ये समझ नहीं आता कि एक सिंपल सी बात की ये यहाँ पे किसने रखा है ना, इस बात को भी ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा के लड़ाई में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। दिखा यही तो है टैलेंट, सिर्फ लड़ाई करने का शो नहीं है, एंटरटेन करने का शो है। मुझे लगता है बिग बॉस बेस्ट एंटरटेनमेंट शो हो गया है। मैं आऊं क्या अपनी पे, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और मजा सलमान भाई के साथ ही आता है। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार बिग बॉस OTT का सीजन 3 आने वाला है, इसमें कौन कौन से लोग आने वाले हैं ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, हाँ। तो हमने जो सारे कॉमन थे वो उठा लिए। ये तो कहीं इतना सच भी नहीं बोलना था, ये तो धोती खोल रहा है। जो हमें लगता है, हाँ, और बाकी लोगों को भी लगता है कि ये आने वाले हैं, कुछ कंफर्म तो है नहीं वैसे, बट जो नाम आ रहे हैं सामने, वो सबसे पहला नाम जो है वो है मैक्सटन का। हाँ, ये वही है एल्विश भाई वाला जिसने जिसने बोला सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा लेकिन मैं पैर में गिर जाऊंगा। हाँ, चाहे मैं 10 आदमी से पिट जाऊं पर हाँ, सॉरी नहीं बोलूंगा। पर मुझे लगता है मैक्सटन जो है बहुत बढ़िया वो है। हाँ, और मुझे लगता है यार एल्विश वाले सीजन में इसको होना चाहिए था यार, फिर तो और भाई बहन की फाइट होनी चाहिए थी। बचता ही नहीं। पर मुझे लग रहा है यार मैक्सटन ना कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों, क्या करेगा कलेश? उधर भी उन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे भी पता नहीं क्या ही करेंगे। बस चरणों में गिरा रहेगा लोगों के। बट एक जो अंग्रेज कंटेस्टेंट होता है जो हमेशा आता है मसाला लेकर, वो यार वो है मिस्टर कार्टराइट। हाँ, है हीरा मंडी के जो अंग्रेज बने हैं जिनको पूरी हिंदी आती है यार, तेरे को पता है नाम क्या है? जेसन शाह, शाह नाम है उनका। तो शाह तो जरूरी नहीं है हिंदी आती हो यार, इंडियन है वो जेसन। हाँ, शाह ऐसे इतना गोरा कैसे है? कुछ तो होगा, कुछ तो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होगा। नहीं, मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि मम्मी यहाँ की, पापा यहाँ के, तो कुछ कुछ तो ऐसा। लंदन टॉकिंग टोक्यो। हाँ, बिल्कुल वही। बट मुझे लगता है ये अच्छी कंटेस्टेंट है, जिस तरीके से इन्होंने उस को उठा लिया था। हाँ, काट दिया था उसको काट राइट ने। ऐसे ही लोगों को अगर ये उठा के फेंके तो मजा तो आएगा। हाँ, और मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना अगर कोई अंग्रेज हिंदी में बात कर रहा है ना, हमें वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, हम वैसे ही उसको भी यूज़ करते हैं। आपको ही ऐसा लगता है यार? तूने नहीं देखा जितने भी व्लॉग्स होते हैं, हम दे देंगे, हम चार गुना दे देंगे। इस बार खान में वो जो बंदा गोरा से बंदे को च्युइंगम चबा देता है, पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है I think that is your type. हाँ बिल्कुल, मैं अपनी टाइप नहीं बता रही हूँ। YouTube पे आप व्लॉग सर्च करो, जितने भी अंग्रेज लोग हिंदी बोलते हैं भाई, लोगों ने मिलियन मिलियन व्यूज दिए हैं उनको। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये कार्टराइट भी बिग बॉस में अच्छे छा जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अगले हैं शोएब इब्राहिम। पता है आपको मुझे कौन है? मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, इनकी वाइफ के बारे में ज्यादा पता है। दीपिका की दुनिया जो उन्होंने बनाया, बड़ा ही हिट YouTube चैनल है और मुझे लगता है कि बड़ा ही बढ़िया कंटेस्टेंट है। यार मैं तो उन्हें ससुराल से मरका से जानती हूँ, मैं नहीं दीपिका की दुनिया शोएब इब्राहिम उसकी वाइफ की बात कर रही हूँ। मैं तो इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही, उसकी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। बॉस लेडी के बारे में बात करेंगी आप। तो ये आ रहे हैं और मुझे लगता है बढ़िया यूट्यूबर है ये। हाँ, वो वैसे वाले नहीं है जो ज्यादा कलेश करते हो। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि कंटेंट देना जानते हैं। आई एग्री, मतलब उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली, शादी इज कंटेंट। पर शादी इज कंटेंट फॉर सो मेनी पीपल, इनकी शादी इंटर रिलीजन। हाँ, जो उन्होंने इतनी बड़ी एक्ट्रेस, हाँ, वो कर दिया। तो ये इनमें वो तो है, बात तो है, ये इनमें बात तो है, मतलब ये अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। ये था मेरा मतलब, आपका हंसनी है, बात तो है, बोल रही है, आपका मतलब क्या है? और उसके बाद जो आ रहे हैं वो है शिजान, शिजान खान। ये कौन है? ये वही है जो एक सीरियल से तो उतना मशहूर नहीं हुए, लेकिन इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने अपनी जो को स्टार है उनकी मौत में इनका कुछ हाथ है, ऐसा हमने, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। वो हो गया, वो क्लियर हो गया कि इनका नहीं था, पर इनकी बहन आई थी लास्ट सीजन। हाँ, उनका नाम क्या था? मुझे नाम नहीं याद, उनका नाम क्या था को नहीं पता। आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में, नाम क्या था जो इनकी बहन आई थी जिनका चक्कर चल गया था,
उस टीवी एक्टर से। और जैसे कि हर साल की प्रथा है कि किसी ना किसी यूट्यूबर को तो बुलाना ही है, तो किसी इस किसी क्या इन्होंने भर दिए यूट्यूबर यार। हाँ। शोएब इब्राहिम एक्टर, शोएब इब्राहिम एक्टर नहीं है पर आप उन्हें मुझे नहीं लगता कुछ काम मिलता है। एक्टर एट यूट्यूब फुल टाइम यूट्यूबर है। आप ये कम समझ रहे हैं यूट्यूबर्स को, हमारे यूट्यूबर्स एक्टर से कम है। हम यूट्यूबर्स एक्सक्यूज मी स्पीक फॉर योरसेल्फ। कुछ सालों की प्रथा देखे तो यूट्यूबर्स ही जीत रहे। हाँ बिल्कुल, प्रिंस नरूला भी ऑलमोस्ट यूट्यूबर ही हो गए हैं यार अब। अब हुए ना, जब वो जीता था तब तो वो यूट्यूबर कहाँ था, तब तो वो रियलिटी शो विनर था ऑलरेडी। मुनव्वर, एल्विश, ये सारे यूट्यूबर। दिव्या, दिव्या अग्रवाल जो ओटीटी सीजन 1 जीती थी। थोड़ा एक्टर में मैं गिन लूं। क्या कर दिया उसने ऐसा एक्टिंग वाला? नहीं, वो रियलिटी शो में एक्टिंग थोड़ी करेगी। अरे रियलिटी शो में एक्टिंग होती है, आपको पता नहीं? मैं आऊं क्या? और ये हर बार उंगलियां ही उठाते रहते हैं। यही है इनकी जॉब, उंगलियां उठाना। तो ये भी आ रहे हैं पर मैं इनसे थोड़ी कन्विंस नहीं हूँ कि आए। और जो आ रही है वो है दलजीत कौर। दलजीत कौर आप जानती हो ना? मैं जानती हूँ ना, वो तो असल में एक्टर है। जी, वो तो ड्रामा भी करती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आके ड्रामा कर ही लेंगी यार। ड्रामा करती है और मैंने सुना कि ये पहले वाली किसी बिग बॉस के सीजन में भी आई है। हाँ, मुझे है लग रहा है। ये आपने कहा था? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये आपने वहीं से सुना है? मैंने कहीं तो सुना है। पर ये जो दलजीत कौर है, जो ऐसी वेबसाइट्स है, ये फिल्मी, इनके नीचे लिखा हुआ है कि जो इनकी सेकंड मैरिज है वो भी फेल हो गई है, तो इसलिए अब वो तो यहाँ पे आ रही हैं। अब बिग बॉस, अब आपको पता ही है, पहले ये आएंगी, फिर इनका पहला हस्बैंड आएगा, ओ वाइल्ड कार्ड एंट्री में। हाँ, फिर ये ऐसे फेमस हो जाएंगे, फिर जीत जाएंगी। हाँ बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट गाइस, इट्स ऑल स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड गाइस। और फिर वो भी आ रही है यार। कौन? So beautiful, so elegant, just looking like wow. मतलब मैंने देख लिया कि यार अब बिग बॉस वालों को बस ये पता है कि ट्रेंडिंग चीजें उठा लो है ना, और वो भर दो। फिर चाहे वो हमारे शो में आके चले या ना चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शो में ये कम चलती है चीजें ट्रेंडिंग वाली, बट जो हमारे संस्था में थे दीपक जी, हाँ जी, चौरसिया जी भी आने वाले हैं बिग बॉस में, ऐसा कुछ सूत्रों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है। हम इस पे वो जो कहते हैं ना ठप्पा नहीं लगा रहे, लेकिन अगर वो आ गए तो मुझे लगता है यार एक अलग फ्लेवर तो आएगा ही। हमारी बात पे आप ठप्पा लगा पा रहे हो तो मतलब आप दांत दे, अगर आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो तो सलाम है आपको। पर आपको क्या लगता है, दीपक चौरसिया जी अगर जाएंगे बिग बॉस में तो वो अच्छे कंटेस्टेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? यार मुझे लगता है कि आज से पहले कभी कोई जर्नलिस्ट आया क्या? नहीं आया ना, तो फिर यही वो है कि नहीं, वो अच्छा, वो जर्नलिस्ट नहीं है। कौन? तहसीन पूना वाला, वो तो स्पोक्स पर्सन टाइप। हाँ, तो मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट जो ऐसे टीवी में भी किसी को नहीं बोलने देते हैं, हाँ, तो वो बिग बॉस के घर में किसको कैसे बोलने देंगे? आपने कैसे बोल दिया कि उन्हें बोलने नहीं देते? बोलने नहीं देते। मुझे लगता है अगर दीपक जी जाएंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि वो ऐसे उन्हें भी कंटेंट निकालना आता है, उन्हें ये बोलना चाहूंगी। और इसी पे हम ये बात खत्म करते हैं, इससे पहले कुछ और बोले तो मुझे लगता है उन्हें जाना चाहिए, और पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है उन्हें वोट करेगी या नहीं करेगी तो उनकी परफॉर्मेंस पे ही पता चलेगा हमारा विनर कैसा हो। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लोग जो अभी के माहौल में बहुत ट्रेंडिंग है और हमें लगता है कि अगर ये बिग बॉस के घर में जाएंगे तो भाई पक्का जीत के आएंगे, नंबर वन है वड़ा पाव गर्ल। इसको तो जाना ही चाहिए यार, मतलब जो सोचो बिना मतलब कैमरा तो उनके आसपास वैसे होते ही है ना, उनको तो प्रैक्टिस हो गई है यार अब बिग बॉस में जैसे ये ड्रामा करते हैं, उनको वो सीख ही सिखाई है बिग बॉस में, ना दुपट्टा ये देखो, टाइमिंग देखो उनके फेमस होने की, जस्ट बिग बॉस से पहले, तो हो सकता है और ये दोनों को अनुमति देनी चाहिए कि ये वहां पे जाके वड़ा पाव बनाए। चलिए, वड़ा पाव वो बनाए या ना बनाए हम देखेंगे बिग बॉस जब ओटीटी शुरू होगा और हमारे लाइफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑडिशन दे रही थी, ये जो अब जितना कुछ चल रहा है ये ऑडिशन होगा? खिलाई इनको पता है, ये बचपन से ही बिग बॉस में जाना चाहती थी, निकालना आता है,
क्या हमें कंटेंट निकालना आता है या नहीं आता, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में नहीं ये मत बताओ हमें आंसर पता है अच्छा हमें तो आंसर पता है पर पता है। आप क्या एक्साइटेड है बिग बॉस के लिए, किसको देखना चाहेंगे इस सीजन में, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, और हम एक और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आप तक आ जाएंगे। मेरा नाम है पूजा, who said it's interesting? हम खुद की तारीफें खुद ही करते हैं। इतनी अच्छी वीडियो हमने बनाई है, इसके साथ एक और अच्छी एक और एक इससे भी बढ़िया बनाएंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे उस वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।